अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है रेड बीन्स चाट रेसिपी। रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही चटपटा बनती है। सो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास 3 कप्स रेड बीन्स हैं, ठीक है, जो कि बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद जो है ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में जो है ये हमारे पास क्यूकम्बर्स हैं, ठीक है, और ये अनियंस हैं, ये बेल पेपर्स हैं कोरिएंडर ऊपर गार्निशिंग के लिए, और ये 2 ग्रीन चिलीज़ हैं। उसके बाद जो है ये हमारे पास इमली केचप सॉस है, जस्ट लाइक 2 टेबल स्पून्स। और फिर ये जो है ये हमने कोरिएंडर और जो ग्रीन चिलीज है उनको मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया। ये जो है ये हमारे पास लेमन जूस है, ठीक है, जो कि 2 टीस्पून्स है। उसके बाद ये बेसिक मसालाज हैं, 4 मसालाज जो कि 2 टेबल स्पून्स लिया है। देन ज़ीरा है, वो भी 2 टेबल स्पून्स दिया है। ये है पेपर का पाउडर जो कि सिर्फ कलर के लिए, सो इट्स लाइक 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून है, बिकॉज चाट मसाला लिया तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और ये रेड चिली पाउडर है। लास्टली जो है ये पीनट्स हैं जो कि हमारे चाट के अंदर जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो है इसमें हमारा योगर्ट चला जाएगा, मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, लेमन जूस इसके अंदर चला जाएगा। सबको मिक्स कर देना है। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें ये ग्रीन चिली सॉस चला जाएगा, और उसके बाद जो है ये इमली का केचप का सॉस हम मिक्स कर लेंगे। जो है इसमें अपनी वेजिस डाल देंगे। इसमें आप वेजिटेबल्स डालने के बाद जो है पीनट्स चले जाएंगे, और अब जो है इसका कोर इंग्रेडिएंट चला जाएगा जो कि हमारे पास ये किडनी बीन्स हैं। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये चाट जो है बहुत ही झटपट एंड चटपटा तैयार होता है जी। चाट की फाइनल लुक जिसके ऊपर मैंने गार्निशिंग की है कोरिएंडर की एंड ग्रीन चिलीज की। So if you really like this recipe, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Allah Hafiz.